चैप्टर सिक्स शीनास फर्स्ट पेंटिंग लेट्स गेट गोइंग डू यू लाइक टू कलर स्टूडेंट्स राइट द नेम्स ऑफ दीज कलर्स अब यहाँ पे सब कलर्स दिए हैं जिसके हमें नेम्स लिखने हैं द फर्स्ट वन इज रेड आर ई डी रेड नेक्स्ट इज येलो वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू येलो दिस इज पिंक पी आई एन के पिंक नेक्स्ट इज ग्रीन जी आर ई ई एन ग्रीन पर्पल पी यू आर पी एल ई पर्पल दिस इज ऑरेंज ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज द नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डू यू यूज टू कलर सर्कल देन अब यहाँ पे जो चीजें है इसमें से हम कौन सी कलरिंग के लिए यूज करते हैं तो उसे हमें सर्कल करनी है तो फर्स्ट आर क्रेन्स येस वी यूज क्रेन्स फॉर कलरिंग नेक्स्ट इज अ कलर बॉक्स येस दीज आर ऑल्सो यूज टू कलर द थर्ड इज एन इंक पॉट No, we can't use ink pot, to, ink pot to color. The fourth one are again color pencils. Then we will circle them because we use color pencils to color. Now, read this story about a girl called Sheena. Sheena wants to paint a picture. She is using watercolors. She has red, blue, and green colors. अब शीना है यहाँ पे ये यह जो स्मॉल लड़की है छोटी सी उसका नेम है शीना तो शीना को एक पिक्चर पेंट करना है और उसे पेंटिंग के लिए वाटर कलर्स यूज करने हैं तो उसके पास कौन कौन से कलर्स हैं उसके पास है रेड ब्लू और ग्रीन कलर शी टेक्स द ब्रश एंड पुट्स इट इनटू द बॉटल ऑफ रेड कलर अब उसने ब्रश लिया और रेड कलर की बॉटल में उसे डिप किया हर हैंड हिट्स द बॉटल एंड इट फॉल्स उसका हाथ तब भी जोर से बॉटल को लगा और बॉटल गिर गई ओ नो द रेड कलर फॉल्स ऑन द फ्लोर शीना इज सैड मम्मी सेज डोंट वरी शीना शीना तो सैड हो गई बड़ी सी क्योंकि उससे वाटर कलर गिर गया तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं शीना डोंट वरी मम्मी पुट्स शीनाज राइट हैंड ऑन द रेड कलर देन मम्मी पुट्स शीनाज हैंड ऑन द पेपर हर हैंड प्रिंट इज ऑन द पेपर इट लुक्स वेरी नाइस फिर शीना की मम्मी ने क्या किया शीना का राइट right हैंड लिया और जो गिरा हुआ रेड कलर था उसमें डिप किया और फिर वो पेपर पे उसकी हैंड की प्रिंट की और इतना अच्छा लग रहा था इट लुक्ड वेरी वेरी नाइस देन मम्मी पुट्स द ग्रीन कलर ऑन शीनाज लेफ्ट हैंड शीना पुट्स इट ऑन द पेपर देर इज अनदर प्रिंट शी पुट्स मोर प्रिंट्स ऑन द पेपर द पेपर इज फुल ऑफ रेड एंड ग्रीन हैंड प्रिंट्स शीना को भी बहुत अच्छा लगा तो फिर मम्मी ने जब शीना का लेफ्ट हैंड लिया तो शीना ने खुद से पेपर पे प्रिंट किया ग्रीन कलर से फिर वापस लेफ्ट राइट ऐसे ग्रीन कलर रेड कलर ऐसे बहुत सारे हैंड प्रिंट्स बनाई मम्मी एंड शीना पुट हर फर्स्ट पेंटिंग ऑन द वॉल मम्मी और शीना ने उन दोनों की बनाई हुई जो फर्स्ट पेंटिंग थी वॉल पे रख दी इट इज सो ब्यूटिफुल कितनी अच्छी पेंटिंग बनी एक्सरसाइजेस आंसर द क्वेस् से यस और नो आपको हाँ और ना कहना है यस और नो शीना लाइक्स टू कलर आंसर इज येस शीना को कलर पसंद है तब भी उसने ये पेंटिंग की है ना शी यूजेज क्रायस नो क्या यूज किया शीना ने वॉटर कलर्स द ब्लू कलर फॉल्स ऑन द फ्लोर नो विच कलर फॉल्ड ऑन द फ्लोर रेड कलर शी यूज ह Hand to paint on the paper. Yes, she used her hands to paint on the paper. Number two is fill in the blanks with the right word. Now, here are some words given in the bracket. We have to fill in the blanks with the correct words. A. Sheena is using dash to paint. What is she using? Yes, she is using watercolors. Now, students, when you write in the gap, you have to tick or cut the answer so that you will not repeat them. Okay, next is Sheena is painting on a dash. The answer is paper. Sheena is painting on a paper. See, Sheena puts a dash in the bottle of red color. Answer is brush. Sheena puts a brush in the bottle of red color. D. Mummy puts Sheena's dash hand on the paper. Answer is right. Mummy puts Sheena's right hand on the paper. The last one. The red dash falls on the floor. The red color falls on the floor. Answer the questions below in a sentence. Now, students, these answers will be uploaded on the portal so you can copy them from the portal. See, a rainbow has many different colors. They are all friends, as without each color, the rainbow would be incomplete. You have friends too. Name your best friend and write two good qualities why you like him or her. स्टूडेंट्स ये आपको खुद से लिखना है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में एनी टू गुड क्वालिटीज लिखिए फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी ऑनेस्ट माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी फ्रेंडली इज अ वेरी गुड पर्सन ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं एनी टू क्वालिटीज आप आपका हिम या हर जो भी आपका फ्रेंड है उसके बारे में नाउ स्टूडेंट्स डू यू नो वॉट विप ग्योर स्टैंड फॉर Okay, I will tell you how many colors are there in the rainbow. There are seven colors, and with means, these are the first initial, the first letter of all the rainbow colors. Now we will see. The first one is V. V stands for Violet. V I O L E T. The next is Indigo. I stands for Indigo. I N D I G O. The next is B Blue B L U E blue color. The fourth one is G Green G R E E N green color. The next is Y Yellow. Y stands for yellow. Y E L L O W. Next is O orange. O R A N G E Orange. The last one is R Red. R E D Red. Those. Then this seven colors makes a rainbow with your v I b -I -V -E G Y O R. Fun with sounds. Listen to your teacher and say. Now students, this is a tongue twister. इसको हम पहले slowly read करेंगे फिर हमें try करना है जितना speed में हम read कर सके उतना इसमें गड़बड़ भी हो सकती है लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी एबल टू रीड फास्ट एंड क्लियर शर्ली shopped for फॉर Shirts and shoes, shirts and shells, and shampoo. Shirley's shadow went shopping too. Four shirts and shoes and pink shampoo. Now there are some words with initial S, and there are rhyming words also, which we have to read now fast. So let's read. शर्ल इज शॉप फॉर शर्ट्स एंड शूज शर्ट्स एंड शेल्स एंड शैम्पू शर्ल इज शेडो वेन शॉपिंग टू फॉर शर्ट्स एंड शूज एंड पिंक शैम्पू आपको भी ऐसे ही रीड करना है स्टूडेंट्स इट इज वेरी फन टू रीड लाइक दिस नेक्स्ट इज लिसन टू दिस वर्ड्स ईच ऑफ दिस वर्ड्स हैज अ लॉन्ग ए साउंड नाउ एज यू नो आपको पता है कि ए इज अ वॉवल तो ये जो वर्ड्स है उसमें लॉन्ग ए साउंड है आई एस इन डे ए वाई डे क्ले सी एल ए वाई हे एच ए वाई मे एम ए वाई पे पी ए वाई से एस ए वाई स्टे एस टी ए वाई Way, W-A-Y. Now, A-I sound as in pale, P-A-I-L. Fail, F-A-I-L. Hill, H-A-I-L. H -A -I -L, jail, J-A-I-L. Mail, M-A-I-L. Nail, N-A-I-L. Sail, S-A-I-L. You also have to read like this as I did so. बी यूज वर्ड्स विथ लॉन्ग ए साउंड टू फील इन द ब्लैंक्स टूडे इज अ वेरी हॉट डे लिसन आई वॉन्ट टू डैश समथिंग देन वॉट विल कम आई वॉन्ट टू से समथिंग दैट विल बी एस ए वाई से इसका मीनिंग आप सुनो मुझे कुछ कहना है आपको थर्ड इज

C L A Y, clay. Read the following sentences. Now, pronouns. What are pronouns, student? Pronouns are the words which are replaced on the place of nouns or proper nouns. For example, this is Rina. She is tall.

उसकी जगह पे हमने आई यूज किया है इसमें द थर्ड इज दिस इज अ बर्ड इट लिव्स इन अ नेस्ट तो यहाँ पे बर्ड की जगह पे हमने क्या यूज किया दूसरे सेंटेंस में इट फोर्थ वन इज रोहन इज अ बॉय ही इज रीनाज ब्रदर तो यहाँ पे रोहन की जगह हमने सेकेंड सेंटेंस में ही यूज किया है तो ही इज द प्रोनाउन ऑफ रोहन रीना रूही एंड रोहन आर माई फ्रेंड्स दिस थ्री आर प्रोपर नाउम्स दे लिव नियर माई हाउस तो धे यानी कि रीना रूही और रोहन वो तीनों वो हो गए उनका क्या है प्रोनाउन तीनों का धे वी आर अ फैमिली वी इज द प्रोनाउन

Roshan and I are brothers. Answer will be, I am Kunal, and this is Roshan. We are brothers. Fourth one is, Ali, Firoz, and Adil are my uncles. Ali, Firoz, and Adil live in Agra. Ali, Firoz, and Adil are my uncles. They live in

फैमिली दिखाई है जैसे कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर मदर फादर तो इसमें हमें फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं तो हम डिस्कस करेंगे पर फिर आपको अपने खुद से लिखने हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज़ वी आर अ बिग फैमिली तो यू कैन राइट देर देर आर ग्रैंड पेरेंट्स इन माई फैमिली यू कैन राइट देर नेम्स देन आपके जो सिबलिंग्स है ब्रदर सिस्टर क्या है ये पिक्चर में वो आप लिख सकते हैं उनके नेम्स लिख सकते हैं तो ये आपको सेंटेंसेस खुद से लिखने हैं तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स